बढ़िया है। और गाइस आप बताइए क्या हाल चाल है, और यहाँ खूब बारिश हो रही है और गाइस वायरल भी बहुत ज़्यादा है, हम तो भगवान से सब प्रे कीजिए कि सब ठीक रहे, अपने घर में स्वस्थ रहे। और गाइस कल से नवरात्र शुरू है और दीक्षा तो सारे नवरात्र रखती है। गाइस मैं आज मार्केट गई थी, मैं उसके लिए काफ़ी नवरात्र में सामान खाना बनाएंगे और जो माता रानी की ड्रेस है तो मैं आपको आज सब बताऊंगे। गाइस तो चलिए आइए। तो गाइस ये मैंने आज ये छोटी सी एक चौकी ली है, देखिए गाइस छोटी सी चौकी ली है और गाइस ये मैंने इसके ऊपर कुछ इस तरह से ये मैं कपड़ा लिया है, ये मैंने ये शनील है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है गाइस ये। गाइस फिर उसके बाद मैंने ये माता रानी की चुनरी ली है छोटी सी। तो गाइस जब मैं कल पूजा करूँगी तो पूजा के बाद आपको ये सब दिखाऊंगी। और गाइस उसके साथ ही मैंने यहाँ पर ये ड्रेस ली है माता रानी की, ये उनका लहंगा और ये उनकी चोली है दुपट्टा। और गाइस बहुत ही सुंदर इसमें वर्क किया हुआ है, ये मोती की पर्पल और ये क्रीम शेड और आसमानी कलर है, बहुत सुंदर ये ड्रेस है। और गाइस जितनी बार भी नराते होते हैं तो मैं माता रानी के लिए नई नई ड्रेस लेके आती हूँ और बहुत सुंदर बहुत ही अलग अलग। तो गाइस मैं कल वाली भी आपको दिखाऊंगी। और ये देखिए गाइस ये देखिए ये एक नई धूप आई है तो बहुत अच्छी, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है तो सबने बोला बहुत अच्छी है तो मैं आज लेके आई हूँ। ये कोई पेट प्रमोशन नहीं है गाइस, मैं सिर्फ आपको वैसे ही दिखाऊंगी कि हम पूजा में क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या चीज़ें हम लोगों के पास होनी चाहिए। और गाइस ये देखिए ये गूगल मैं लेके आई हूँ, इसकी धुनी भी कहते हैं ज़रूर देनी चाहिए तो मैं ये भी लेके आई हूँ। और गाइस ये देखिए ये मैं छोटा सा मुकुट लेके आई हूँ ये माता रानी का। और गाइस मैं हर बार मुकुट तो लेती हूँ लेकिन वो ड्रेस के साथ ही लेती हूँ, ये मैंने हार लिया है, ये भी बहुत प्यारा नग वाला है गाइस, ये देखिए ये कितना सुंदर हार है। और गाइस इसमें ये देखिए कितना प्यारा छोटे छोटे से नग लगे हुए हैं ग्रीन और ये रेड कलर के, और गाइस ये देखिए वाइट इसमें वाइट कलर के बड़े बड़े नग हैं और फिर ग्रीन है। और गाइस ये देखिए ये मोती कितने प्यारे प्यारे हैं। तो गाइस ये हार है और यहाँ पर ये मैं मुकुट लाई हूँ गाइस। गाइस आप लोग भी मुझे कमेंट में बताना कि कैसे हैं ये सब। और गाइस ये मैं थोड़ा सा प्रसाद लाई हूँ, वैसे तो हम प्रसाद घर पे ही बनाते हैं ये ड्राई फ्रूट वगैरह का जो भी नारियल और इन सब चीज़ों का। और गाइस ये मैं कपूर लाई हूँ, ये देखिए गाइस ये मैं कपूर लाई हूँ। यहाँ पर गाइस ये मैं कुछ दिए लाई हूँ ताकि मैं जब भी जोत तो वैसे पीतल में जलाते ही हैं लेकिन जितने दिन भी जोत जलेगी तो मिट्टी के दिए शुद्ध होते हैं तो मैं मिट्टी के दिए शुद्ध के लिए ये बहुत सारे ये मैं दिए लाई हूँ छोटे सुबह शाम के लिए। और मैं एक ये दिया थोड़ा सा बड़ा लाई हूँ। यहाँ पर मैं कुछ सामान भी लाई हूँ, ये दीक्षा के खास के लिए है, ये गाइस हफ्ता 10 दिन पूरे ही चलेंगे हम लोग रखेंगे गाइस लास्ट में सब रखते हैं। और गाइस ये दीक्षा किशमिश खुश होकर खाती है ये मैं वो लाई हूँ। और उसके लिए गाइस मैं बीच में मिठाई वगैरह भी बनाऊँगी व्रत वाली, तो गाइस वो भी आप देखना मैं कैसे बनाऊँगी। अभी अब गाइस जैसे जैसे दिन अभी नराते आएंगे तो साथ साथ और भी सामान आएगा तो मैं आपको नारियल की एक मेरे को मिठाई आती है गाइस जो मैं फास्ट में बनाती हूँ वो भी बहुत अच्छी है तो गाइस मैं वो जरूर बनाऊँगी आपको दिखाऊँगी। गाइस ये लड्डू हैं
चौलाई वाले। तो ये दीक्षा कॉलेज जाएगी तो सुबह खाकर जाएगी दूध के साथ, क्योंकि बच्चों को एक्चुअली समझ तो है नहीं क्या खाना है क्या नहीं खाना, तो गाइस इसलिए पहले से सब ला के रखना पड़ता है। और ये गाइस मैं पापड़ लाई हूँ, ये पापड़ हैं साबूदाना के और जीरा के। गाइस ये बहुत टेस्टी हैं और मैं लेके आई हूँ, मैंने एक बार पहले भी लिए थे, बहुत टेस्टी ये पापड़ हैं, क्योंकि दीक्षा को इन दिनों बाहर का कुछ कुछ खाना नहीं आ रहा है और डेली गाइस को कॉलेज भी जाती है, तो जो भी होगा हल्का फुल्का घर से ही थोड़ा सा लेके जाएगी। और ये गाइस मैं इसके लिए पापड़ लेके आई हूँ, ये चिप्स, ये दो पैकेट जो उसका आराम से एक हफ्ता तो आराम से चल जाएगा। और गाइस ये कभी कभी ये कुट्टू का आटा है, तो दीक्षा को अगर बोलती है कि भूख लगी है मम्मी बहुत तेज़, तो मैं उसको फिर आलू की सब्जी और कुट्टू वाली मैं उसको पूड़ी बना के देती हूँ। गाइस ये बोला ही हूँ, और गाइस ये मैं नमकीन भी लेके आई हूँ, ये नमकीन है, ये आलू और उसकी है फलाहारी स्नैक्स है ये, और आलू और मूंगफली की है। गाइस इसमें ज़्यादा नमक मिर्च नहीं है, बिल्कुल हल्के हल्के हैं। और ये गाइस जो हमें मैं साबूदाना ये लेके आई हूँ, साबूदाने की ये मैं नमकीन लेके आई हूँ, जो भी हल्का फुल्का स्नैक्स है बच्चों के लिए। पोली से आती है तो हल्की भूख लगती है उसको, लगती तो बहुत तेज़ है लेकिन वो काफ़ी कंट्रोल करती है क्योंकि पूरे फास्ट फूड से रखने होते हैं। तो गाइस ये उस करूँगी, सब कुछ सजाऊंगी अपनी माता रानी को दोबारा से सुबह। और गाइस ये मेरा मंदिर बहुत पुराना है, कम से कम इसको हो गए हैं 16-17 साल तो जब से हम न्यू घर में आए हैं। और गाइस अब हमने सोचा है कि अब हम इसको थोड़ा सा दिवाली के बाद थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे, कुछ और न्यू लुक में देंगे, क्योंकि इसको काफ़ी गाइस पुराना हो गया है ये मंदिर। और गाइस ये पहले कुछ इस तरह से चलते थे गाइस, अब मैंने उस टाइम ऐसे ही चलते थे। हाँ, अभी भी गाइस ये प्योर पत्थर है मंदिर की, पत्थर का गाइस है कि मंदिर का वो नहीं है कोई भी कि छोटा बड़ा मंदिर, एक अपने में एक बहुत अच्छी वो है, पॉजिटिविटी है। हाँ, छोटा बड़ा जैसे लोग कहते हैं ना, अरे मैं सबका अपना। तो गाइस अब मैंने इसमें काफ़ी अब चेंज करना है, ये मैं करूँगी आराम से सर्दियों में, क्योंकि दिवाली पे थोड़ा सा काम हम लोगों को होता है, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल हो जाता है हम लोगों का,
तो गाइस उसके बाद मैं देख सोच रही हूँ कि मुझे क्या कराना है अपने इस मंदिर में। तो गाइस ये देखिए इसके मैंने लाइटिंग और इस तरह से ये मैंने डबल पर्दे भी दिए हुए हैं इस तरह से। गाइस अब मैंने जोत भी इसमें जला ली है और गाइस अब मैं इसको बंद कर रही हूँ। अब मेरे भगवान जो है गुड नाइट सो रहे हैं और सुबह फिर उठेंगे। तो गाइस सुबह फिर मैं आपको बिल्कुल चेंज दिखाऊंगी कि मेरे मंदिर में क्या क्या हो रहा है। मैं इस ब्लॉग को अब एंड करती हूँ और गाइस जैसे जैसे आगे आगे नवरात्रि होंगे तो मैं आपको नवरात्रि में हर चीज़ दिखाऊंगी कि दीक्षा कैसे रख रही है और क्या खा रही है। और गाइस मैं आपकी मिठाई जरूर सिखाऊंगी कि मैं कैसे घर में नारियल वाली मिठाई बहुत ही टेस्टी होती है गाइस, वो मैं आपको जरूर सिखाऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। और गाइस आज बहुत मार्केट में बहुत दिखती थी गाइस, पैर रखने की जगह नहीं थी, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मैं खाना बनाऊंगी और सो जाऊंगी। तो गाइस कल मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। गाइस अगर आपको ये अच्छा लगा हो मेरा छोटा सा वीडियो प्यारा सा कि मैं बाजार से क्या क्या लेके आई और क्या क्या आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज। थैंक यू।